हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीख लो यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हमजा। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे मैक्रोलाइड्स के बारे में। मैक्रोलाइड्स क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनकी टॉक्सिसिटीज क्या क्या है, इनके क्लिनिकल इश्यूज क्या क्या है, तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। अब हम देखेंगे मैक्रोलाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। गाइस, सबसे पहले हमारे पास डीएनए होता है। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो बनता है मैसेंजर आरएनए। तो गाइस, अब मैसेंजर आरएनए आएगा सेल की मशीनरी के पास, यानी कि राइबोसोम्स के पास, और फिर यहाँ पे राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन द मैसेंजर आरएनए। तो गाइस, मैसेंजर आरएनए सबसे पहले स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा, फिर उसके बाद लार्जर सब यूनिट ऑफ मैसेंजर आरएनए आएगा और उसके साथ आगे बाइंड होगा। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इसके ऊपर तीन साइड्स अपीयर होंगी, ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। एक साइड के ऊपर अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए आगे बाइंड होगा। अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए कहते हैं ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए आएगा और आगे ए साइड के ऊपर बाइंड होगा। ए साइड से फिर ये मूव करेगा टुवर्ड्स द पी साइड। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो गाइस, द मूवमेंट ऑफ अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम ए साइड टू पी साइड इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो गाइस, जब ये पी साइड के ऊपर आएगा तो इसकी जो अमाइनो एसिड की चेन है ये ट्रांसफर हो जाएगी टू द अमाइनो एसिड एट द ट्रांसफर आरएनए ऑफ ए साइड। दिस इज कैटलाइज्ड बाय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो गाइस, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इस अमाइनो एसिड की चेन को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम पी साइड टू ए साइड। तो दोस्तों, उसके बाद ये जो डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए है ये ई साइड के ऊपर आएगा एंड ई साइड से फिर ये एग्जिट कर जाएगा। तो दोस्तों, मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है। मैक्रोलाइड जब आएंगी तो ये आके एक तो ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देंगी। अब ट्रांसलोकेशन नहीं होगी तो ये जो अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए है ए साइड के ऊपर ये पी साइड के ऊपर मूव इन कर पाएगा। इसके बाद ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को भी ब्लॉक कर देती है, जिनकी वजह से अमाइनो एसिड की चेन ट्रांसफर नहीं होगी। तो गाइस, दो काम हो गए, एक तो ये ट्रांसलोकेशन नहीं हुई, दूसरी बात पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से अमाइनो एसिड की चेन ट्रांसफर नहीं होगी। तो गाइस, इन दोनों प्रोसेस की वजह से अमाइनो एसिड की चेन इलोंगेट नहीं कर पाएगी और प्रोटीन की सिंथेसिस यहीं पे ब्लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में किस तरह मैक्रोलाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो गाइस, सबसे पहले बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाता है मिथाइलेज एंजाइम, जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर आएगा और आके मैक्रोलाइड्स की बाइंडिंग साइट के ऊपर मिथाइल ग्रुप की एडिशन करवा देगा। तो दोस्तों, जब मैक्रोलाइड्स की बाइंडिंग साइट के ऊपर मिथाइलेशन हो जाएगी तो मैक्रोलाइड्स की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी। सो मिथाइलेशन से मैक्रोलाइड्स की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है। दूसरा दोस्तों, बैक्टीरिया में इफ्लक्स पंप्स क्रिएट हो जाती हैं जो इन मैक्रोलाइड्स को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर देंगे आउट ऑफ द सेल। गाइस, इन दो मैकेनिज्म से बैक्टीरिया में मैक्रोलाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। नंबर एक, मिथाइलेज एंजाइम बनेगा जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर आके मैक्रोलाइड्स की बाइंडिंग साइट के ऊपर मिथाइल ऐड कर देगा, जिसकी वजह से इनकी बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी। और दूसरा, इफ्लक्स पंप्स क्रिएट होंगे जो मैक्रोलाइड्स को सेल से बाहर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम मैक्रोलाइड्स की क्लासिफिकेशन, इनकी टॉक्सिसिटीज, इनके क्लिनिकल यूजेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्रिएट करते हैं म्यूजिक यानी कि मेमोरी के बेसिक रूल्स को अप्लाई करते हुए। तो गाइस, अब हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि आप एक सुनसान रोड के ऊपर जा रहे हो, आपके पीछे एक मकड़ी लग जाती है। अब आप अपनी जान बचाने के लिए भागते हो, सामने आपको एक बिल्डिंग नजर आती है, आप उस बिल्डिंग में इंटर हो जाते हो। वो बिल्डिंग एआरवाई न्यूज चैनल की होती है और वहां पे इंटरव्यू चल रहा होता है। सुपरमैन अजीज मियां कुवार साहब का इंटरव्यू ले रहा होता है। आप सुपरमैन को देखते हो और देखते ही उसके ऊपर फिदा हो जाते हो। आप सुपरमैन के बहुत बड़े फैन हो, सुपरमैन को आप कहते हो कि ये मकड़ी मेरे पीछे लगी है, इसको भगाओ। तो सुपरमैन अपनी लेजर मारता है उसके सीने के ऊपर, उसका सीना रैशेज से भर जाता है और उसके इरिटेशन होने लग पड़ती है। वो मकड़ी सुपरमैन को कहती है कि ये तो क्यूट सा बच्चा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, और चली जाती है। आप वहां पे इंटरव्यू देखने बैठ जाती हो। तो दोस्तों, एआरवाई न्यूज चैनल एक न्यूज कंपाइल करता है, उसमें यह बताया जाता है कि हमारे सीएम साहब ने नीम के दरख्त के नीचे एक मीटिंग अरेंज की है कोरियन प्रेसिडेंट के साथ। कोरियन प्रेसिडेंट आता है, उसकी लेग स्लिप होती है और वो एक नाले में गिर जाता है। नाला नीम के पत्तों से भरा होता है। सीएम साहब अपना हाथ देख उनको बाहर निकालते हैं, वो बाहर आता है। सीएम साहब कोरियन प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हमारा क्लेम है, हम क्लेम देते हैं कि हमारे पास जो यूरिया है ये दुनिया की बेस्ट यूरिया है, ये हमने स्टीफन हॉकिंग से तैयार करवाई थी। इस यूरिया से इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं कि इसने बुढ़े बुढ़े यानी कि जो पुराने टीले हैं, बुढ़े बुढ़े टीलों के ऊपर भी हरियाली उगा दी है। कोरियन प्रेसिडेंट बड़ा खुश होता है,
और 5000 बोरियों का ऑर्डर दे देता है। वो बोरियां एक हेलीकॉप्टर के ऊपर रखी जाती हैं। अब 5000 बोरियों का वजन हेलीकॉप्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता और गिर जाता है। तो मक्की भाई जो सुपरमैन के बॉस होते हैं वो वहां पे आते हैं और आके सुपरमैन को कहते हैं कि यार इस हेलीकॉप्टर को उठाओ और इसको लॉरी के ऊपर यानी कि ट्राली के ऊपर रख दो। तो सुपरमैन हेलीकॉप्टर को उठाता है और लॉरी के ऊपर रख देता है। ये देख के जितने भी वहां पे आसपास लोग होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, सुपरमैन के लिए क्लैपिंग करते हैं और साथ में दफ बजाते हैं। सुपरमैन उनसे बड़ा खुश होता है और सबको एनआरओ दे देता है। लोग एनआरओ लेके सऊदी अरब चले जाते हैं और वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं। तो सुपरमैन अजीज मियां कवाल साहब से कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी का कोई यादगार वाक्य हमें सुनाए। तो अजीज मियां कवाल साहब कहते हैं कि एक बार मैं गया पीर नसीरुद्दीन शीर शाह साहब से मिलने। मैंने पीर साहब से कहा कि हुजूर मेरे लायक कोई हुक्म। तो पीर साहब ने कहा कि मोरे के अंदर कटर भरा है, इसको लो और ट्रैक के ऊपर मैट्रेस है उसको काट दो। लोगों ने क्लेम दिया है कि लोगों के लिए परेशानी का बाइस है। तो कहते हैं मैंने वो कटर लिया और ट्रैक के ऊपर जो मैट्रेस पड़ा था उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वो टुकड़े बास्केट में फेंक दिए। तो पीर साहब बड़े खुश हुए, पीर साहब ने अपनी कैब उतारी और मुझे दे दी। मैं कहता हूँ वो कैब लेके अपनी कम्युनिटी में गया और जाके लोगों को दिखाई तो लोग सब बड़े खुश हुए और सब ने मेरी बड़ी तारीफें की। तो गाइस ये स्टोरी थी। अब हम जल्दी से एक बार स्टोरी को रिवाइज करते हैं और फिर इसको डीकोड करते हैं। सबसे पहले आप सुनसान रोड पे जाते हो, आग के पीछे मकड़ी लग जाती है। आप एआरआई न्यूज चैनल की बिल्डिंग में एंटर होते हो, वहां पे इंटरव्यू होता है, सुपरमैन अजीज मियां कवाल साहब का इंटरव्यू ले रहा होता है। आप सुपरमैन को देखते हो और उस पर फिदा हो जाते हो। सुपरमैन को कहते हो कि मकड़ी मेरे पीछे है इसको पकाओ। सुपरमैन मकड़ी के ऊपर लेजर डालता है तो मकड़ी का सीना रैशेज से भर जाता है और उसको इरिटेशन होने लग पड़ती है। वो सुपरमैन को कहती है कि ये तो क्यूट सा बच्चा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, और बाद में चली जाती है। आप वहां पे इंटरव्यू देखते हो तो एआरवाई न्यूज कंपाइल करते हैं कि सीएम साहब ने नीम के दरख्त के नीचे मीटिंग अरेंज की थी कोरियन प्रेसिडेंट के साथ। कोरियन प्रेसिडेंट आता है, उसकी लेग स्लिप होती है और वो नाले में गिर जाता है। वो नाला नीम के पत्तों से भरा हुआ था। सीएम साहब उसको निकालते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा ये क्लेम है, हम क्लेम देते हैं कि जो हमारे पास यूरिया है ये दुनिया की बेस्ट यूरिया है जो हमने स्टीफन हॉकिंग से तैयार करवाई थी। इससे इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं कि इसने बुढ़े बुढ़े टीले यानी कि पुराने टीलों के ऊपर भी हरियाली उगा दी है। तो कोरियन प्रेसिडेंट खुश होकर 5000 बोरियों का ऑर्डर दे देते हैं। वो सारी की सारी बोरियां एक हेलीकॉप्टर के ऊपर रखी जाती हैं, हेलीकॉप्टर गिर जाता है। तो मक्की भाई यानी कि सुपरमैन के बॉस आते हैं और सुपरमैन को कहते हैं कि यार इस हेलीकॉप्टर को उठाओ और लॉरी यानी कि ट्रॉली के ऊपर रख दो। तो सुपरमैन उठा के लॉरी के ऊपर उसको रख देते हैं। सब लोग बड़े खुश होते हैं, क्लैपिंग करते हैं और साथ में दफ बजाते हैं। तो सुपरमैन सबसे खुश होता है, सबको एनआरओ दे देते हैं। सब लोग सऊदी अरब में चले जाते हैं और वहां पे जाकर सेटल हो जाते हैं। अब अजीज मियां कवाल साहब से पूछा जाता है कि सर आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन वाकया कोई हमसे शेयर करें। तो अजीज मियां कवाल साहब कहते हैं कि मैं नसीर साहब के पास गया, मैंने कहा कि हुजूर मेरे लिए कुछ हुक्म। तो नसीर साहब ने कहा कि मोरे के अंदर कटर पड़ा है, इसको लो और जो ट्रैक के ऊपर मैट्रेस है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। लोगों ने क्लेम दिया है कि लोगों के लिए ये परेशानी का बाइस है। तो कहते हैं मैंने उस मैट्रेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन टुकड़ों को बास्केट में फेंक दिया। पीर साहब मेरे से बड़े मुतासर हुए, उन्होंने मुतासर होकर अपनी कैब मुझे दी, मैं वो लेके कम्युनिटी में गया, सब लोगों ने मेरी बड़ी तारीफें की। तो गाइस ये स्टोरी थी। अब हम इस स्टोरी को डीकोड करते हैं और देखते हैं कैसे इस स्टोरी से हमें मैक्रोलाइड्स की क्लासिफिकेशन, मैक्रोलाइड्स की टॉक्सिसिटीज एंड इसके क्लिनिकल यूजेस हमें याद हो जाते हैं। गाइस आप एक सुनसान रोड के ऊपर जा रहे थे और पीछे आपके एक मकड़ी पड़ जाती है। सो मकड़ी से मैक्रोलाइड्स, आप जान बचाने के लिए सामने एक बिल्डिंग में एंटर होते हो। सो बिल्डिंग एआरवी न्यूज चैनल की थी, एआरवी से एरिथ्रोमाइसिन। उसमें इंटरव्यू चल रहा था और सुपरमैन अजीज मियां कवाल साहब का इंटरव्यू ले रहा था। सुपरमैन का नाम था क्लार्क कैंट। सो क्लार्क से एरिथ्रोमाइसिन, तो वो अजीज मियां कवाल साहब का इंटरव्यू ले रहा था, अजीज मियां से एरिथ्रोमाइसिन। आपने सुपरमैन को देखा और देखते उसके ऊपर हो गया फिदा। सो फिदा से फिडेक्सोमाइसिन। तो गाइस ये मैक्रोलाइड्स की क्लासिफिकेशन है, इसमें एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड फिडेक्सोमाइसिन आ जाती है। तो गाइस आपने सुपरमैन को कहा कि मकड़ी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे मकड़ी से बचाओ। तो सुपरमैन ने लेजर मारी, उसके सीने पे जाकर पड़ी और उसका सीना फिल हो गया रैशेज से। सो सीना फिल हो गया था रैशेज से। सो सीना प्लस फिल से एसिनोफिलिया, रैशेज से स्किन रैशेज। मकड़ी को इरिटेशन होने लग पड़ी थी। सो इरिटेशन से जीआई इरिटेशन, मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन। तो उसने कहा कि ये तो क्यूट सा बच्चा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। सो क्यूट से एक्यूट एंड जिगर लिवर, लिवर इन्फ्लेमेशन इज नोन एज हेपेटाइटिस। सो इससे बन जाएगा एक्यूट हेपेटाइटिस, मीन्स एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस। तो गाइज ये डिफरेंट टॉक्सिसिटीज है जो मैक्रोलाइड की वजह से होती है। तो गाइज एआरवाई ने एक न्यूज कंपाइल की थी। सो एआरवाई से एरिथ्रोमाइसिन, कंपाइल से कंपाइलोबैक्टर। उसमें उन्होंने बताया कि हमारे सीएम साहब ने मीटिंग अरेंज की है कोरियन प्रेसिडेंट के साथ नीम के दरख्त के नीचे। सो सीएम साहब ने नीम के दरख्त के नीचे मीटिंग अरेंज की थी। सो इससे बन जाएगा सी निमोनी एंड एम निमोनी।
कोरियन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग थी, सो कोरियन से कोरियनी बैक्टीरियम, कोरियन प्रेसिडेंट आ रहा था, उसकी लेग स्लिप हुई और वो नाले में गिर गया, सो लेग प्लस नाला से लेग्योनेला, वो नाला नीम के पत्तों के साथ भरा हुआ था, सो नीम के पत्तों से फील था, इससे बन जाएगा नीमोफाइला। तो सीएम ने कहा कि हमारा क्लेम है कि हमारे पास जो यूरिया है वो दुनिया की बेस्ट यूरिया है। सो सबसे पहले उन्होंने क्लेम दिया, क्लेम देना से क्लेमेडिया, क्लेमेडिया ट्रैकोमैटस, कि हमारे पास जो यूरिया है वो दुनिया की बेस्ट यूरिया है। यूरिया से यूरिया प्लाज्मा, यूरिया लाइटिकम, इस यूरिया से इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं कि इसने बुढ़े टीले के ऊपर भी हरियाली उगा दी है। सो पॉजिटिव से ग्राम पॉजिटिव को काई एंड बुढ़े, बुढ़े का मतलब पुराने टीले, सो बुढ़ा टीला से बॉडी टैला, और ये यूरिया हमने स्टीफन हॉकिंग से तैयार करवाई थी, सो स्टीफन से स्टेफाइलोकोकाई। सो गाइज ये डिफरेंट बैक्टीरिया है जिनके अगेंस्ट हम एरिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कोरियन प्रेसिडेंट ने 5000 बोरियों का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो सारी की सारी जो बोरियां थी वो एक हेलीकॉप्टर के ऊपर रखी गई, हेलीकॉप्टर से वो वजन उठाया नहीं गया और वो गिर जाता है। सो सुपरमैन का जो बॉस होता है मक्की भाई, वो सुपरमैन को कहता है कि यार इस हेलीकॉप्टर को लॉरी यानी कि ट्रॉली के अंदर रख दूं, तो सुपरमैन हेलीकॉप्टर को लोरी के ऊपर लाद देता है। तो गाइस मक्की से मैक मींस माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, सो हेलीकॉप्टर को लोरी के ऊपर रखा था, सो इससे बन जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो गाइस ये देख के सब लोग फिदा हो गए सुपरमैन के ऊपर, और सब लोगों ने क्लैपिंग की और साथ में दफ बजाया। सो फिदा से एफिडेक्सोमाइसिन, सब ने दफ बजाया, दफ से डेफिसल मीन क्लोस्ट्रीडियम डेफिसल, तो सुपरमैन खुश हुआ, सुपरमैन ने खुश होकर सब लोगों को एनआरओ दे दिया, सो एनआरओ से एनआरओब्स, सब लोग चले गए सऊदी अरब, सो अरब से एरोब्स। तो गाइस फिर अजीज मियां कवाल साहब से उनका फेवरेट किस्सा पूछा गया, तो अजीज मियां कवाल साहब कहते हैं कि मैं एक बार गया पी नसीरुद्दीन शीर शाह साहब से मिलने, सो नसीर से नाइजेरिया गनोरे आई, उन्होंने मुझे कहा कि मोहरे के अंदर कटर पड़ा है, इसको उठाओ और ट्रैक के ऊपर जो मैट्रेस है इसको काट दो, लोगों ने क्लेम दिया है कि लोगों के लिए परेशानी का बाइस है। तो अजीज मियां कवाल साहब कहते हैं कि मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, ये देख के पीर साहब बड़े इन्फ्लुएंस हुए, बड़े मुतासर हुए, उन्होंने अपनी कैप मुझे दे दी और कैप लेके मैं अपनी कम्युनिटी में आ गया। सो नसीर से नाइजेरिया, मोरा से मुरैक्जिला एंड कटर से कटरेलस मीन्स मुरैक्जिला कटरेलस, ट्रैक के ऊपर मैट्रेस था, सो ये बन जाएगा ट्रैकोमैटस, एंड लोगों ने क्लेम दिया था कि लोगों के लिए परेशानी का बाइस है, सो क्लेम देना से क्लेमेडिया। तो कहते हैं मैंने उसको काटा तो पीर साहब बड़े इन्फ्लुएंस हुए, बड़े मुतासर हुए, इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंजी मीन्स हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, उन्होंने अपनी कैप मुझे दी, कैप से कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, और ये कैप लेके मैं अपनी कम्युनिटी में गया तो सब लोग बड़े खुश हुए। सो कम्युनिटी से भी आपको याद रह जाएगा कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सो गाइस ये क्लिनिकल यूजेस ऑफ क्लैरिथ्रोमाइसिन, फिडेक्सोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन को एरिथ्रोमाइसिन की जगह इन तमाम बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट भी यूज करते हैं एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अगेंस्ट भी यूज करते हैं। एंड देन फिडेक्सोमाइसिन को एनएलओब्स के लिए, एरोब्स के लिए एंड क्लोस्ट्रीडियम डेफिसल के अगेंस्ट हम इसको यूज करते हैं। एंड देन अजीज मियां से एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन को नाइजेरिया गनोरियाई, मुरैक्जिला कैटरेलस, क्लेमेडिया ट्रैकोमैटस, हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजी एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थी मैक्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन, इनकी टॉक्सिसिटीज एंड इसके क्लिनिकल यूजेस। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने सिर्फ एक स्टोरी से मैक्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन, मैक्रोलाइट्स की टॉक्सिसिटीज एंड हमने मैक्रोलाइट्स के क्लिनिकल यूजर सारे के सारे बड़े अच्छे तरीके से किए। तो गाइज आपने जस्ट इस स्टोरी को याद रखना है, इस स्टोरी से आपको इंशाल्लाह मैक्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन, इनकी टॉक्सिसिटीज एंड इनके क्लिनिकल यूजर्स सारे के सारे इंशाल्लाह बड़े अच्छे से हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़।